सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूँ। ये जनता का आदेश सर आँखों पे, और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विकास और गौरव के काम किए हैं, और मुझे आशा है कि ये काम और ये योजना जो हम लोगों ने चलाए थे उनको आगे ले जाने का काम आने वाली सरकार करेगी। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे, साथ में जो भी सकारात्मक काम है जनहित के लिए उनको भी उठाने का काम करेंगे। आई थिंक द रिजल्ट सर्टनली इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बीजेपी टू पॉज एंड एनालाइज बिकॉज द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। In two of the states, that is Madhya Pradesh and Chhattisgarh, we have been in power continuously for a period of 15 years. And we've done exceedingly well in terms of governance in those states. And of course, it was being predicted that after 15 years in power, always there is a possibility of a certain fatigue factor setting in. I don't think there was any anti-incumbency feeling against the state governments because they've done extremely well. But certainly, independent of that, a fatigue factor does come into play. And we did notice that in the course of the election.